वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री सी यू सेट 2020 पेपर सोल्यूशन। एमएससी एंट्रेंस का जो सी यू सेट का पेपर होता है उसका हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। एवरी मंडे आपको यहाँ पर सी यू सेट का वीडियो मिलता है, यानी पार्ट थ्री हम डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट वन और पार्ट टू में आपको अबव द 56 क्वेश्चन से पहले जितने भी थे आपके वो सब वहाँ डिस्कस हो गए हैं। आज का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बच्चा। ओके, सो वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री एंड मेकअप बॉन्ड विथ केमिस्ट्री। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपको चैनल का वीक शेड्यूल देखिए, टूडेज मंडे, मंडे 8 PM पर आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द सी यू सेट। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा, अगर आप मेरे ग्रुप में कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि इस पेपर का सोल्यूशन इन आप PDF फॉर्म चाहते हो या पेपर PDF फॉर्म में चाहिए, तो अलका कैम का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन पेपर का PDF और सोल्यूशन भी। और ये अगर हम बात करें सी यू सेट 21 की बात करें बच्चा, अगर हम सी यू सेट के 21 की बात करें तो हमारे पास कब आएगा ये पेपर, ये वाला पेपर कब होने वाला है 21 वाला, तो इसका जो करंट अपडेशन रहेगा वो हमारा जो इंस्टाग्राम की पेज है CAMALIUM18, वहाँ पर आपको सबसे पहले इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो लेट वी स्टार्ट अबाउट द पेपर। और वन मिनट, आई कैन स्टार्ट द पेपर। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आई होप सो कि आप सबको याद होगा। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है बच्चे, ये डिस्कस रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 का हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने हमसे क्या कहा गया, 56 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो बच्चा, कहा गया है कि फॉलोइंग द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी लगाना है और हीट कैपेसिटी बतानी है किसके लिए, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आपको CV की बात कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि वो आपको CV की बात कर रहे हैं, CO2 के लिए, SO2 के लिए एंड NO2 के लिए। तो अगर हम इजी वे में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं तो बच्चा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 56 आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है, CO2 गैस के लिए, एक आपका रहेगा आपका SO2 गैस के लिए और एक आपका रहेगा बच्चे NO2 गैस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर। आपको पता होगा जो CO2 का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा है CO2 का, देखकर ही पता चल रहा है आपको, दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ये आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर मैं SO2 की बात करूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर हम NO2 की बात करें तो सिमिलरली ये स्ट्रक्चर भी आपका कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो आप यहां से बता सकते हैं ये लीनियर स्ट्रक्चर है एंड दिस इज नॉन लीनियर, ये आपका एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है एंड दिस इज ऑल्सो द नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, ये भी आपका एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। वेट बच्चा एक सेकेंड, थोड़ा मिस हो गया ना ये, देखिए ये भी आपका क्या रहेगा, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब जब स्ट्रक्चर की बात आ जाती है तब हमें डिस्कस करना होगा, देन हम डिस्कस करने वाले हैं अपना CV का फॉर्मूला। CV का फॉर्मूला कैसे होगा बच्चे, CV का फॉर्मूला के लिए सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर आपके 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 1/2 जो वाइब्रेशंस, जो आपकी ट्रांसलेशन मोशंस रहने वाला 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं तो 1/2 R रहेगा। और अगर हम बात करें ये मेरा लीनियर स्ट्रक्चर है, ये मेरा लीनियर स्ट्रक्चर है, तो 2 × 1/2 R रहेगा, 2 × 1/2 R रहने वाला है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द वाइब्रेशनल, जैसे आप निकालते थे वाइब्रेशनल के लिए, लीनियर के केस में फॉर्मूला होता है 3N-5, तो बच्चा यहाँ पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे 3N-5 × R। क्लियर, सभी मोशंस को ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चा, 3/2 R प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका R, और यहाँ पर आप N की जगह पुट करेंगे नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम है, तो देख सकते हो 1, 2, 3, यहाँ पर 3 एटम है, तो 3 एटम पुट करने का मतलब है कि आपके पास यहाँ आएगा 3 × 3 − 5, यानी 9 − 5 = 4 R, आपको टोटल मिल जाएगा 4 R एंड यू विल बी गेट करेक्ट आंसर। आपको कितना आंसर मिलने वाला है, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलने वाला है 6.5 R सॉल्यूशन के बाद। अगर मैं SO2 और NO2 की बात करूँ तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें बच्चा, दे आर द नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 3N-6 का, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है दोनों केसेस के लिए। आप दोनों केसेस के लिए करेंगे CV निकालने के लिए, कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 × 1/2 मोशंस के लिए, प्लस आप कितना करेंगे बच्चा यहाँ पर, अभी देखें ध्यान से देखें, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो यहाँ पर अगेन 3 × 1/2 R रहेगा, और अगर मेरे पास ये नॉन लीनियर है तो इसका वाइब्रेशनल 3N-6
थ्री एन माइनस सिक्स का मतलब है n की जगह पुट करेंगे नंबर ऑफ एटम, 1, 2, 3, तीन एटम है तो आपके पास बन जाएगा 3, 3, 9, 9, 6, 3, 3 R बन जाएगा एंड यू कैन सॉल्व। आपको कितना मिलने वाला है बच्चे यहाँ पर, आपका आंसर मिलने वाला है 3/2R + 3/2R + 3R। तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 7R, अप्रॉक्सीमेटली 7R मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है आपका 6.5R और यहाँ पर है आपका बच्चा 7R, ठीक है, 6.5R और यहाँ पर 7R। तो आप बेसिकली देखें बताएं कि किसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो ये दोनों तो इक्वल है, इनके लिए CV का वैल्यू इक्वल है और CO2 का वैल्यू इनसे थोड़ा लेस रहेगा। तो अपना ऑप्शन चेक करें यहाँ पर कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। तो बच्चा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो क्या होगा, जस्ट चेक कि CO2 का थोड़ा लेस रहे और आपका जो इनका वैल्यू है वो ग्रेटर रहेगा। एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, 3/2 एंड 3/2, दिस इज 6R बच्चा, 6R बनेगा, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ 6R बनने वाला है, ये आपका 6R बनेगा, ठीक है, हाँ 6R बनेगा ना, देखो 3 एंड 3/2 3/2 तो 6R बन जाएगा। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पर CO2 का ग्रेटर होगा, इनसे जो CO2 का है वो ग्रेटर रहेगा। क्यों ग्रेटर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, ओके यहाँ पर आप देख सकते हो जो CO2 का है वो 6.5R आता है CV का वैल्यू, और इन दोनों का वैल्यू 6R और 6R आया है, तो यानी ये दोनों इक्वल हैं और CO2 का ग्रेटर देना है। तो आप जरा ऑप्शन चेक करें, क्योंकि वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ना, तो मैं वही देख रही थी कि कुछ ना गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन की। सो देर विल बी द करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको सी आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो लाइव चैट में साथ साथ लिखते रहो बच्चा, लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, वहाँ पर अपना साथ साथ लिखते रहेंगे। आई होप अब आपको वो क्लियर हो गया होगा। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि होमोजीनियस लिक्विड की बात किया, यानी आपको देखकर लगेगा कि ये फेज इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर, अगर हम 57 की बात करते हैं, आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखो बच्चा, उन्होंने हमें कहा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये किसके लिए रहता है, आपका हिट्रोजीनियस मीडियम के लिए, जितने भी हिट्रोजीनियस मीडियम होते हैं। और अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें बच्चा कि एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, ये किसके लिए रहेगा, आपका होमोजीनियस मीडियम के लिए रहेगा। तो हमारे पास इन्होंने पूछा है यही था कि होमोजीनियस लिक्विड के लिए क्या करेंगे, आपके पास कंपोनेंट कितने हैं, टू। देखो होमोजीनियस के लिए फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, यानी एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, और आपके पास कंपोनेंट कितने हैं देखकर बताएं जरा, कंपोनेंट है टू, तो आप पुट करेंगे टू कंपोनेंट, आपके पास कितना जाएगा, कंपोनेंट आपके कितने हो जाएंगे, टू कंपोनेंट हो जाएंगे, क्लियर। और फेस कितना है, उन्होंने कहा है कि होमोजीनियस लिक्विड है। अब देखो बच्चा, एक लिक्विड आपने इसके अंदर ऐड किया और उसके ऊपर से फिर दूसरा लिक्विड ऐड कर दिया, तो फेस तो लिक्विड ही रहा ना, नज़र तो आपको लिक्विड ही आ रहा है, तो यहाँ पर है तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिक्विड का ही, तो फेस आपका कितना रहेगा, वन। एंड यू विल बी गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉल्व करें जरा, कंपोनेंट को टू, फेस आपका वन रहेगा, दैट यू सॉल्व एंड यू विल बी गेट द करेक्ट आंसर टू। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको टू मिल जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो आपका टू डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार ये भी लाइव चैट में आप लिख दो कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करके लिख देना, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। उन्होंने कहा आयनिक स्ट्रेंथ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये रब नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे इस वाले कलर से। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा बच्चे 58 के लिए। तो उन्होंने हमें कहा कि आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और कितना कंसंट्रेशन दे दिया 0.1, और क्या आपके पास है जो कंपाउंड है वो है Fe2SO4 होल थ्राइस, ये आपका कंपाउंड रहेगा। आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने IIT JEM 2021 का पेपर देखा होगा तो उसमें भी ये सवाल आया हुआ है आयनिक स्ट्रेंथ का, और अगर 2020 का पेपर देखा है तो उसमें भी सवाल आया हुआ है आयनिक स्ट्रेंथ का। तो मेरे पास आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/2 आपका जो जेड रहता है, जेड सी, मतलब मैं आपको इसके बारे में ना फॉर्मूला अप्लाई करना ही सिखा देती हूँ, जेड ये हो गया, और उसके बाद आपका जो चार्ज होगा वो आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा चार्ज का स्केयर। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले Fe2SO4 होल थ्राइस है, इसको आयंस में ब्रेक करेंगे, इसके आयंस में ब्रेक करते हो तो आपको मिलने वाला 3, 2+, यहाँ सल्फेट कितना मिलने वाला है SO4 2 नेगेटिव, और आयंस कितना आ जाएगा 3, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ,
इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आएगा। सबसे पहले मुझे बताएं यहाँ पर एफ ई का स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। ये जो जेड है ना, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, यू विल बी पुट हेयर 2। मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, बच्चा एफ ई की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, और अगर इसकी बात करें तो इसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 रहेगी। तो आप पुट करेंगे 0.1 इंटू चार्ज कितना है 3, तो 3 का स्केयर कर देंगे प्लस। उसके बाद आपके पास आता है बच्चे यहाँ पर उसके बाद देखो स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, अगेन 3 इंटू कंसंट्रेशन कितनी है सल्फेट की 0.1 इंटू चार्ज का स्केयर, चार्ज कितना है 2, चार्ज का 2 नॉट अ नेगेटिव, क्योंकि स्केयर करेंगे तो अगेन वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो 2 का स्केयर। अब आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, एंड यू विल बी गेट द 1.5, आपको 1.5 अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा। तो जरा ऑप्शन में चेक कर आते हैं कि 1.5 आंसर है या नहीं है। तो बच्चा ये भी नहीं है 1.5, एक सेकेंड, इसे क्लियरली सॉल्व भी करना पड़ेगा लग रहा है। 1/2, चलो एक मिनट इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बार देख लेते हैं ना दोबारा कैलकुलेशन में भी उस वक्त गलत हो रही हो। 1/2 एंड 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यू विल बी गेट 1.8, आपको यहाँ पर 1.8 मिलेगा प्लस 3 इंटू 0.1 इंटू, सो आपको मिलेगा बच्चे एक बार और देख लेते हैं 12 इंटू 0.1, हाँ तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.2 बच्चा। और जब आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया होगा तो 3.0 डिवाइड बाई 2 और आपका आंसर अगेन 1.5 ही आएगा बच्चा, 1.5 आंसर आएगा। और अगर 1.5 आंसर आता है तो 1.5 ऑप्शन में है नहीं, अगर देखा जाए तो 1.5 ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको क्या करने वाले हैं, 1.5 तो एग्जैक्ट 1.5 नहीं है, 0.25 नहीं हो सकता, आपका आंसर 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ये गलत है। आपको इसमें क्या मिलने वाला है, एक प्लस मार्क्स मिलने वाला था, प्लस 1 मार्क्स मिलता सब बच्चों को, क्योंकि एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है बच्चे आपका, ये गलत आंसर्स दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 59 की, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन में क्या रहेगा आपके पास, 59 क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखिए द वर्क डन फॉर द फ्री एक्सपेंशन, आपको वर्क डन निकालना था फ्री एक्सपेंशन के लिए। सो बच्चा वर्क डन फ्री एक्सपेंशन के लिए, फ्री एक्सपेंशन फॉर द थ्योरेटिकल, तो देखने में बड़ा टिपिकल सवाल लग रहा हो ये, पर इसका आंसर जीरो आएगा। क्यों बच्चा, उन्होंने नाम ही दे दिया फ्री एक्सपेंशन, आप देख सकते हो उन्होंने लिख ही दिया फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास वहाँ पर कोई फ्री एक्सपेंशन बच्चे ऐसी एक्सपेंड हो रहा है, कोई वहाँ पर एक्ट नहीं कर रही, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई वहाँ पर सिस्टम कोई प्रेशर वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर सकते, फ्री एक्सपेंशन है फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो वहाँ पर जो वर्क डन होने वाला है वो जीरो है, क्योंकि वहाँ पर हमें नहीं पता कितनी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्ट कर जाएंगी, तो उनको हम कितना वर्क डन करेंगे बच्चा, वहाँ पर आपका जीरो रहेगा वर्क डन फॉर द फ्री एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, जिसमें आप नहीं फाइंड आउट कर रहे हो। तो 59 क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, जीरो आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आता है 60, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 60, ये अच्छा सवाल है क्वांटम केमिस्ट्री का, आपको विजिबल तो होगा बच्चे। देखो अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल दैट आपको उन्होंने कहा है कि क्या निकालना है बच्चे, इसका डी जनरेट निकालना है, आपको इसका डी जनरेसी निकालना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, डी जनरेसी का कैसे काम करने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 का सोल्यूशन देते हैं बच्चा आपको। तो 60 क्वेश्चन के सोल्यूशन में उन्होंने हमें क्या कहा है, डी जनरेसी निकालनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हो, रोटेशनल मोशन में एनर्जी का फॉर्मूला होता है बी जे जे प्लस वन, ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्लियर। यहाँ पर अगर हम बी का वैल्यू पुट करें तो बी का वैल्यू होता है एच कट स्केयर 2i j j प्लस 1, ठीक है बच्चा, ये रहेगा। और i का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर i का मतलब होता है जो आपका i रहेगा बच्चे यहाँ पर वो क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी mr स्केयर, एंड यू विल बी गेट h कट स्केयर 2 mr स्केयर और j j प्लस 1, ये कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, यहाँ पर आपके पास आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे, जरा देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, एच स्केयर 2mr² j j प्लस 1, कंपेयर करो आपको जो दे रखा है, आपको जो एनर्जी का वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 10 h कट स्केयर h कट लगाना बच्चों इसको h कट स्केयर और डिवाइड बाय
जो आपका एमआर स्केयर रहेगा, जो आपका एमआर स्केयर रहेगा, ठीक है, जो आपका एमआर स्केयर रहेगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हमने कंपेयर किया तो व्हाट यू गेट, आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, कंपेयर इजिली हो जाएगा, यू विल बी गेट जे जे प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी, जे जे प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी, क्लियर। अब जे जे प्लस वन ट्वेंटी आ गया, यहाँ से जे का वैल्यू फाइंड आउट करो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आपको जो करेक्ट वैल्यू मिलेगा वो फोर मिलेगा, फोर आपका करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब डी जनरेसी निकालनी थी, उन्होंने आपको कहा डी जनरेट निकालना है बच्चे, डी जनरेट का फॉर्मूला तो बहुत ईजी होता है, टू जे प्लस वन, ये सब आपको फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेगा, सब कुछ आपको ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलने वाला है, फोर टू जो एट और एक नाइन, आपका नाइन आएगा, जो डी जनरेसी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, नाइन बच्चा, ठीक है। डी जनरेसी आपका आंसर कितना आता है, नाइन आंसर आप देख सकते हो। लाइव चैट में जरा मुझे बताएं कि आपका आंसर यही आया या नहीं आया, जरा लाइव चैट में बताएं। नाइन आपको सॉल्व आया, करना कैसे करना है, सॉल्यूशन 60, आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार लाइव चैट में लिख दे। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 61, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है सीजियम का और क्लोराइड का, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट आपने थ्योरी पढ़ा होगा, 88 इसका रहेगा। फिर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 62 आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको देखकर कहूं कि बच्चा मुझे इसका आंसर लाइव चैट में बताओ, तो आप 110% इसका आंसर ए बताएंगे, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। थोड़े दिन पहले मैंने अनअकैडमी पर कराया था ये चैप्टर, जब मैं अनअकैडमी पर मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा रही थी, तो अनअकैडमी पर हम पढ़ाते हैं ना, तो वहां पर आपको मैं डिस्कस कर रही थी, और मैंने स्पेशली ये बात बोली थी कि मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चन को गलत करते हैं। आप देखना अनअकैडमी पर, अलका रानी के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आईआईटी जेम कैटेगरी में, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। पीएच इज इक्वल टू, आपको क्या लगेगा कि पीएच का फॉर्मूला तो मैम हमने पढ़ा है, माइनस के लोग एच प्लस कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, आपने यही पढ़ा होगा, डेफिनेटली यही पढ़ा होगा। अगर मेरे पास ये पीएच का फॉर्मूला है और आपको लग रहा है कि मैम हमें जो एच का कंसंट्रेशन दे रखा है वो 10^-8 दे रखा है, और उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा पीएच आएगा वो 8 आएगा, पर गलत है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, एचसीएल है बच्चे, एचसीएल का मतलब एसिड है, क्या एसिड का पीएच कभी 8 हो सकता है, एसिड का पीएच कभी भी 8 हो सकता है, कभी भी नहीं, वो लेस देन 7 रहेगा, तो आप कैसे कह सकते हो इसका आंसर 8 आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर, बड़े ध्यान से सीखना आप इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास उन्होंने लिखा है HCl का एक्वस सॉल्यूशन, आपने एक बात को ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने पढ़ाया था तब भी यही बात बोली थी कि सॉल्यूशन लिखा होता है साथ में, HCl का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर HCl भी होगा और पानी भी होगा, पानी मतलब H2 भी होगा। HCl क्या करता है, H प्लस कंसनट्रेशन देगा, और H2O क्या करेगा बच्चे, यहाँ से H2O भी आपको क्या करेगा, H प्लस कंसंट्रेशन देगा। तो मतलब मेरे को सोल्यूशन में अकेला एक H प्लस नहीं मिलने वाला है, दो जगह से H प्लस मिलने वाला है, तो मुझे दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना था। तो बच्चे हम टोटल कंसंट्रेशन कैसे रखेंगे, हम लिखेंगे फॉर द टोटल कंसंट्रेशन। आपको पता होगा कि HCl का कंसंट्रेशन तो हमें दे रखा है 10^-8, पर वाटर का कितना कंसिडर करते हैं, 10^-7 फॉर द रूम टेम्परेचर। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कैसे इसको, आप इसको लिख सकते हो ऐसे 0.1, मतलब वो क्या कहते हैं ना, पावर को इक्वल करने के लिए 10^-7 प्लस 10^-7। अब यहाँ से इसे सॉल्व करें बच्चा, सॉल्व करेंगे तो 0.1 प्लस 1 कॉमन लिया आपने, इंटू 10^-7 आ गया, और आपने इसे सॉल्व किया तो 1.1 इंटू 10^-7 आई। ये मेरी कंसंट्रेशन आती है एच की, एच प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास ये आई। अगर ई एच प्लस की कंसंट्रेशन आई है, अभी तो हमें पी एच भी फाइंड आउट करना है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी एच भी फाइंड आउट करना है। तो जरा पी एच को देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी एच को निकालने का तरीका है माइनस के लोग एच प्लस, है ना, एच प्लस है, तो आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर पुट करेंगे कैसे, माइनस लोग एच प्लस। तो बच्चा एच प्लस की जगह ये कंसंट्रेशन पुट कर दे 1.1 इंटू 10^-7। आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे बच्चा तो किस तरह से सॉल्व होगा, आप लिखोगे माइनस के लोग 1.1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 log 10 हो जाएगा, 7 log 10, और आपने जब इसे सॉल्व करोगे तो 6.9 आंसर आएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो 6.9 आंसर आएगा। आप जरा चेक करके आओ कि क्या ये आपका ऑप्शन है, 6.9 ऑप्शन है कहीं पर, तो डेफिनेटली आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चा, एक ऑप्शन है 6.9, देखो ये 6.8 है, आप ध्यान से देखो आपका जो आंसर आया वो 6.9 आया, ना कि आपका 6.8 है। तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, सी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ना कि आपका बी रहेगा। एक मिनट, ये क्या कर दिया हमने, क्वेश्चन कहाँ गया बच्चे मेरा, 60, ये क्या हो रहा है भैया, 6.9 आया ना हमारा आंसर,
ये है बच्चे, इसमें तो डायरेक्ट आंसर है। हाँ बाकी मैंने उसके लिए भी आपको अप्रोक्सीमेशन बताई दी, ये आएगा बच्चे सी आंसर आएगा इसका, सॉरी फॉर दैट, सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप देख सकते हो हमने जो निकाला है आंसर, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है तो वो 6.0.69, ये क्या लिखा है हमने, 0.69 नहीं, हमारा आंसर तो क्या आया बच्चे, देखना एक मिनट, हमारा आंसर 6.9 आंसर आया बच्चे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हमारा जो पीएच हमने फाइंड आउट किया वो 6.9 है, आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे हमने किया, एंड सॉरी थोड़ा सा यहाँ मुझे लगा कि मेरे सामने, सॉरी फॉर दैट, अगेन आई फील सॉरी। सो सी आंसर है बच्चे यहाँ पर, 6.9 इसका आंसर है। शायद आपको समझ आ गया हो कि कैसे पीएच को फाइंड आउट करना है, अगर नहीं आते एक बार कमेंट में मुझे बता दो बच्चा, लाइव चैट में एक बार रिपीट कर देंगे, वैसे आप थोड़ा सा बैक करके देखो तो क्लियर हो जाएगा, वो हल्का सा मुझे ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इंडिकेटर की बात कर रहा है मिथाइल ओरेंज की, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए मिथाइल ओरेंज कहाँ कितना करता है, 3.11 से लेकर 4.4 तक करता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अच्छा 64 क्वेश्चन है, ये सवाल हर बार पूछा जाता है, इसके लिए मेरी एक ट्रिक याद रखना, क्यूट अवर मदर, ये हमारी एक ट्रिक है, क्यूट अवर मदर, इस ट्रिक को याद रखना और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका ए रहेगा। हाँ फिर यहाँ पर बात करेंगे बीसीसी का, जब हम करते हैं तो 68% बीसीसी का रहता है, बीसीसी का 68% रहता है, 72 जो रहता है वो आपका एफसीसी का रहता है ना, तो उन्होंने तो बीसीसी का पूछा तो 68% बी इज द अनदर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 66, आप 66 क्वेश्चन को देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन, ये एड्सॉर्प्शन का सवाल है और लेंगमर आइसोथर्म के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो जो जो हमें गिवन है उसको लिख लो, आपको के का वैल्यू गिवन है और आपको प्रेशर गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चा, हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, लेंगमर आइसोथर्म एक्सप्लेन करना है, तो देखो बच्चा फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, एक्स एम एक्स बाय एम और के पी एंड 1 plus KP, ये बड़ा ईजी सा फॉर्मूला रहता है, अप्लाई करो बच्चा यहाँ पर, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ एक बार। देखो के को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 0.40, क्योंकि हमें k कितना दे रखा है 0.40, इंटू p कितना दे रखा है 1 kilopascal, तो 1 पुट कर देंगे नीचे, 1 को 1 रखेंगे, 0.40 इंटू 1 पुट करेंगे एंड यू विल बी गेट 0.40 डिवाइड बाय 1.4, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बनेगा 1.4, और आप इन्हें डिवाइड करेंगे 0.4 डिवाइड बाय 1.4, तो बच्चा देखो 0.28 आ रहा है, 0.285 आ रहा है, 0.285 आ रहा है, तो ज़रा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 0.285 के लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 0.29, क्लियर क्लियर बच्चा, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 66 भी हो गया होगा। 67 देखेंगे, द टर्नओवर नंबर फॉर द एंजाइमिक कैटालिटिक रिएक्शन, ये आपका जो सवाल आता है ये केमिकल काइनेटिक्स का आता है, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पोर्शन जब हम आपको कराते हैं, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, ये तो जैम में भी पूछा जाता है और इसका 67 क्वेश्चन का डायरेक्ट है, आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चा, आर मैक्स बाई इनो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा, डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूँ तो आपको एक साइक्लिक हीट इंजन की बात कही, उन्होंने कहा कि सोर्स 927 डिग्री है और आपका सिंक भर जा रहा है 27, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का बच्चे, 68 का सोल्यूशन आपको निकालना है बच्चे, सोर्स का टेम्परेचर कितना दे रखा था, शायद 927 दे रखा था, 927 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 927 में 273 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 केल्विन आ जाएगा। अगर मैं सिंक की बात करूं बच्चा, सिंक की बात करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 27 प्लस 273 और आपको कितना मिल जाएगा, 300 केल्विन मिल जाएगा, 300 केल्विन, तो बच्चा सोर्स का मतलब है कि हाई टेम्परेचर है और यहाँ सिंक में क्या हो रहा है, इस वक्त लो टेम्परेचर हो रहा है, आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ हायर माइनस टेम्परेचर ऑफ लोअर डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ हायर इनटू 100, ये तो इस बार गेट में भी आया, पता है आपको गेट 2020 के पेपर में भी आया क्वेश्चन, 2021 सॉरी, इस बार गेट में भी ऐसा सवाल था, देखना एक बार आप। ठीक है, टीएच का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हायर कितना है 1200 और लोअर कितना है बच्चे 300 केल्विन, आप इसे सॉल्व करो, डिवाइड बाय 1200 इनटू 100 सॉल्व करना एक बार इसे एंड यू विल बी गेट 75% आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 900 बाय ये आ जाएगा ना, तो देखो 75 ऑप्शन था, बिल्कुल सी आपका 75 इसमें ऑप्शन था, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 69, कहते करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर बताना था एंट्रोपी का बच्चे, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है,
तो आपको क्या बताना था, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, तो गैसियस पार्टिकल में सबसे ज्यादा रैंडमनेस, देन आपके लिक्विड पार्टिकल में, देन आपके सॉलिड पार्टिकल में, तो गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 69 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. ओके, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 70, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद एन आइस. मतलब आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है बच्चों आपके पास, और इस बॉक्स में क्या है, लिक्विड है, इस बॉक्स में लिक्विड है और आपने ऊपर से क्या डाल दी, आइस डाल दी. इस बॉक्स में लिक्विड है और आपने ऊपर से क्या डाल दी बच्चा, आइस डाल दी. तो दोनों बताएं, आइस का मतलब क्या होता है, H2O, और लिक्विड का मतलब भी क्या होता है, H2O. आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 करेंगे आप यहाँ पर. कंपोनेंट कितने दे रखे हैं बच्चा, कंपोनेंट तो एक ही है ना, कंपोनेंट तो इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, तो कंपोनेंट तो एक ही हो गया आपके पास. उसके बाद फेज कितने हैं, फेज दो है, एक सॉलिड फेज में एक लिक्विड फेज में है, तो दो फेज हो गए, और प्लस 2 कैंसल आउट एंड यू विल बी गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा. तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए बच्चा ए, ए आपका आंसर रहेगा. ठीक है, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, तो 71 में आपसे उन्होंने क्या कहा, फॉर अ पार्टिकल ऑफ अ क्यूबिक बॉक्स द टोटल नंबर ऑफ द क्वांटम नंबर नीडेड. कितने टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है हमें उनको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है बच्चा, 3 क्वांटम नंबर की हमें क्या रहेगी, जरूरत रहेगी. क्या आपको मेरी बात समझ आ गई, इज दैट क्लियर. अब एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया, एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको कंडक्टेंस बताना है. चलिए आपको कंडक्टेंस की तरफ लेकर चलते हैं. तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की. अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी. मतलब वही हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आयंस का फ्लो, आयंस का फ्लो हो जाना, आयंस की मूवमेंट हो जाना. तो बच्चे मेरे पास मोबिलिटी पर डिपेंड करेगा. अब मैं आपको एक क्लियरली बात बता देती हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैम जितना स्मॉल साइज होगा, जितना स्मॉल साइज होगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, मोबिलिटी शो करेगा. पर हाँ वो करता बिल्कुल, अगर स्मॉल साइज है तो मोबिलिटी शो करता. बट अगर मैं बात करूँ एक्वस सॉल्यूशन की, जब मैं बात कर रही हूँ एक्वस सॉल्यूशन की, तो उस वक्त मेरे पास क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन इन द केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने बहुत सारा उसे डाइल्यूट कर दिया, तो मेरे पास जो स्मॉल साइज का कैटायन होगा ना, द स्मॉल साइज कैटायन बच्चा, जो मेरा स्मॉल साइज का कैटायन होगा, उसके पास हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. स्मॉल साइज के कैटायन का मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना. हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना मतलब, अगर ये छोटा सा मेरा लिथियम एटम है, तो इसके अराउंड बहुत सारे मेरे वाटर के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएंगे, और इसको मोशन करने में प्रॉब्लम होगा, इसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगा. तो अगर मेरा स्मॉल साइज का कैटायन है, तो उसका लेस मूवमेंट होगा. अगर स्मॉल साइज का मोमेंट है, तो स्मॉल साइज का कैटायन है, चार्ज आपका स्मॉल साइज का है, तो उसके अंदर लेस मोमेंट होगा, जिसकी वजह से जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, लग रहा था कि लिथियम आगे रहेगा क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, नो बच्चा लिथियम का नहीं. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सबसे आगे पोटाशियम, देन सोडियम, देन लिथियम. क्योंकि पोटाशियम का ज़्यादा बड़ा साइज है, तो वो क्या कर सकता है, उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम रहेगा. अब लास्ट के ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेट इनको थोड़ा साइज स्मॉल कर देते हैं. यस, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 73, 74 एंड 75. अब ये तीन क्वेश्चन है हमारे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन. इन क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप मुझे इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसके बाद ही मैं आपको, इसके बाद 75 के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, वो डिस्कस कराऊंगी यहाँ पर सी यू सेट के 2020 पेपर की. तो बच्चा इन तीन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सबने कहा था कि मैम सी यू सेट का टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए आपको, तो बच्चे ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है मैंने सी यू सेट का, कि मेरे पेपर के सी यू सेट में 2016 में कितने नंबर का क्वेश्चन आया, 2017 में, 2017, 18, 19, 20, एग्जाम का पैटर्न क्या है सी यू सेट का, सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ. जो मेरी प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट चेक करना बच्चे, जिसका नाम होगा एग्जाम अपडेट या केमिस्ट्री अपडेट के नाम से होगा, या आप मेरे चैनल पर थोड़ा देखना सारी प्लेलिस्ट को, उन प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा सी यू सेट के नाम से, कि सी यू सेट का टॉपिक वाइज एनालिसिस, तो आपको वहां से वो मिल जाएगा. क्लियर, वैसे वो डेली मतलब जो होता है वो संडे को आता है मेरा वीडियो, संडे को अपलोड करते हैं. ओके, तो आज का सोल्यूशन हम यही खत्म करेंगे. अब कल आपका ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को आपको असाइनमेंट मिलेगी, आप उसे सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच बच्चा, एंड
एंड क्या करना बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अलियम केमिस्ट्री चैनल को, दिस इज़ माई चैनल अलियम केमिस्ट्री। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल है तो आप इसे ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द टीचिंग स्टाइल एंड व्हाटएवर। ओके, थैंक यू सो मच।